वेनेजुएला, श्रीलंका और पाकिस्तान तीनों एक रास्ते पर खड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच $13 बिलियन का झोल क्या चीज है? और दिसंबर 6 क्यों बहुत ज्यादा मायने करने लगा है पाकिस्तान के लिए, जानेंगे पाकिस्तान में इस वक्त दो टुकड़े होने के बीच में क्या क्या चीजें चल रही हैं। जहां पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है चाइना के अंदर, क्योंकि इस तस्वीर में चाइना की तबाही लिखी हुई है। जानेंगे चाइना के लिए कैसे सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है भारत ने, दुनिया की शक्तिशाली मिसाइलों का सबसे बड़ा ऑर्डर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका, जिसने चाइना से बहुत ज्यादा कर्जा लिया, और इस कर्जे का असर क्या हुआ? इस कर्जे का असर हुआ कि हम्बनटोटा पोर्ट को उसे ट्रांसफर करना पड़ा चाइना को, और अभी भी वो कर्जा चुका नहीं पाया है। और इस कर्जा को नहीं चुकाने की वजह से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चाइना एयरपोर्ट पर भी कब्जा करेगा श्रीलंका के, क्योंकि 90% तक श्रीलंका चुका ही नहीं पाया है, और अब श्रीलंका की उस तरह की औकात भी नहीं है कि आगे चुका पाए, यानी श्रीलंका उपनिवेश बन गया चाइना का। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये जो देश देख रहे हैं ना, इस देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला जहाँ पे चाइना ने 2008 से 2014 तक $52 बिलियन ठूसे, और अब यहाँ चुका नहीं पाने लगा वेनेजुएला पैसा। जब वेनेजुएला पैसा नहीं चुका पाने लगा, तो चीन ने उससे कहा कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, हमने तुम्हें यूं ही नहीं दे दिया है पैसा, हमने बहुत कुछ सोचा है, मुझे पता था कि तुम भिखारी हो और पैसे तो वापस कर नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है जिसे तुम निकाल पा नहीं रहे हो और मार्केट में बेच नहीं पा रहे हो, और वो खजाना है तेल का, इसलिए तुम हमें तेल दे दो। आपको बता दें वेनेजुएला, जितना वेनेजुएला के अंदर तेल और गैस भरा पड़ा है, उतना तो वो निकाल भी नहीं पाता है प्रतिबंधों की वजह से, फिर भी मार्केट का एक बड़ा सप्लायर है। अब चीन ने यहाँ से कौड़ियों के दाम में तेल लेने शुरू कर दिए, मतलब वेनेजुएला के एक प्रमुख संसाधन पर कब्जा कर लिया, जिससे वेनेजुएला $1 बिलियन कमाता। और अब बारी है पाकिस्तान की, $72 बिलियन जो पाकिस्तान के GDP का 70% है, ये उन्होंने कर्जा दिया हुआ है 7% की दर से। सिर्फ EMI पाकिस्तान को भरनी है 7 से 8 बिलियन डॉलर, और कब तक? 43 साल तक, 2018 से ये शुरू हो चुका है, हर साल 7 से 8 बिलियन डॉलर चाइना को सिर्फ EMI में जाएगा 43 साल तक, तब जाकर कर्जा चुकेगा पाकिस्तान का। अब ये तो समझ में आ गया कि इस इंटरेस्ट रेट पर पाकिस्तान कभी भी चाइना का कर्जा नहीं चुका पाएगा। और अब न्यूज की हेडलाइंस बन जाती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका की तरह क्राइसिस के लिए आगे बढ़ रही है। बात भी सही है, वो साफ साफ दिख रहा है, जो संभव नहीं है कि पाकिस्तान अचानक से पैरों पर खड़ा हो जाए। इन सब के बीच में अचानक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आते हैं, और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमें तो भैया 13 बिलियन का लोन मिलने वाला है, हमें 9 बिलियन देगा चाइना और 4 बिलियन देगा सऊदी अरब। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। एक बार को समझ में आएगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया है, शायद यही वजह है कि अब ये देश निवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें, सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इस बात को लेकर अभी तक चाइना ने और सऊदी अरब ने कंफर्म नहीं किया है, और अगर कंफर्म कर भी दें तो निवेश तक बदलने में अभी बहुत वक्त है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बाद भी पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मूडी ने रेटिंग्स इसकी खराब कर दी। मूडी ने रेटिंग खराब कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में निवेश नहीं हो रहा है, उल्टा निवेश निकल कर बाहर जा रहा है। हाँ, FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल कर अमेरिका ने पाकिस्तान को खुला जरूर छोड़ दिया है, आतंकियों तक पैसे पहुंचाने के लिए, या फिर आतंकियों के लिए फंडिंग लेने के लिए। जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का सवाल है, इकोनॉमी उठता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और अब तो इमरान खान को गोली लगने के बाद संभावना ये दिख रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। और उन सब के बीच में
6 दिसंबर को अमेरिका का लोन पूरा हो रहा है। अमेरिका ने जो बॉन्ड खरीदा था उस बॉन्ड की तारीख पूरी हो रही है, यानी कि $1 बिलियन का जो कर्जा है इन्हें अमेरिका को भी वापस करना है। कुल मिलाकर ये कहें तो इस वक्त कंगाली का दौर चल रहा है। ऊपर से आटा गीला हो गया है कि इमरान खान देश को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए आगे बढ़ चुका है। कुल मिलाकर ये जो पासा फेंका है शहबाज शरीफ ने कि $13 बिलियन का इन्हें फायदा होने वाला है, ऐसा होता हुआ अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। खैर, जहां पाकिस्तान एक तरफ गर्त में जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ये जो साउथ चाइना सी देख रहे हैं ना, इस साउथ चाइना सी में कई छोटे बड़े ऐसे देश हैं जिनकी चाइना के साथ बहुत ज्यादा खार है। ये जब मौका मिले चाइना को डुबोने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि चाइना इतना बड़ा शक्ति इस वक्त बन गया है इन देशों के लिए कि अपनी मनमानी वो बहुत आसानी से करता है। जैसे कि ये जो इलाका देख रहे हैं, इसे कहता है चाइना कि ये 9 डैश लाइन है, यानी कि इसके अंदर का जो भी पानी है, जो भी तेल है, जो भी गैस है, वो हमारा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कह रही है कि नहीं नहीं, नियम तो यही है कि आपकी अपनी जमीन से मात्र 200 मील तक का पानी आपका हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। ये तो बड़ा क्षेत्र है और ये तो समंदर में आता है। तो चाइना का कहना है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समंदर में कभी किसी का राज नहीं होता है, लेकिन ये जो 9 डैश लाइन के अंदर का पानी है ना, ये तो हमारा, ये तालाब है, ये समंदर नहीं है, ये चाइना का तालाब है और इस नियम के तहत ये हमारा पानी है और इसके नीचे के संसाधन हमारे हैं। चाइना अपना तर्क देता है और जिसकी वजह से अब 9 डैश लाइन के आसपास कौन कौन आ रहा है आप देख सकते हैं। 9 डैश लाइन को आप देखेंगे तो ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, कुछ इंडोनेशिया का भी क्षेत्र है और वियतनाम, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब इन देशों के 200 माइल को चाइना कुछ भी नहीं मानता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र वो अपना मानता है। अब ये देश चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ हमारे पास ऐसी शक्ति हो जिस शक्ति से हम चाइना को निपटा सकें और चाइना डरे। अब इन्होंने एक चीज देख लिया, फिलीपींस ने भारत के साथ हाथ मिलाया ब्रह्मोस की खरीद की, और जैसे ही फिलीपींस ने ब्रह्मोस की खरीद की वैसे ही चाइना के सुर बदल गए, बात करने का तरीका बदल गया। इससे पहले तो ये हो रहा था व्हाइट सन रीफ पर चाइना ने कब्जा जमा लिया था और हड़काने वाले अंदाज में बात करता था, पर अब फिलीपींस के साथ बातचीत करने पर उतर आया है चाइना। ये देखकर ये जो आसपास के देश है ना, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन्हें भी समझ में आ गया कि चाइना के खिलाफ अगर हमें जाना है तो हमें कुछ अलग करना होगा और भारत हाथ पकड़कर फिलीपींस के तरह ब्रह्मोस की खरीद करनी होगी। और यही चीज देखने को मिली जो इस वक्त भारत का वर्कशॉप चल रहा है, वहां पर पहुंच गए इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर और इन्होंने ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि यहाँ खास मीटिंग, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ब्रह्मोस को लेकर हुई और इंडोनेशिया चाह रहा है कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेचे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस दिशा में बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।